मैं ऐसे भी सिंपल मिर्च का रेसिपी बनाकर आपको बताती हूँ। हरिओम, आज मैं सिंपल मिर्ची को बनाकर आपको दिखाती हूँ। इसके लिए नमक, थोड़ी सी नींबू का रस और थोड़ा सा तेल। इसे मैं मिर्च को कट कर दूंगी ऐसे लिए और हल्का सा दबाकर या ऐसे करके कट कर लीजिए। इसको लीजिए ऐसे, ऐसे कट करके सारी मिर्च को कर लीजिए या चॉपर पे भी रख कर कट कर सकते हो। और सारी मिर्च को मैं ऐसे ही कट कर लेती हूँ और भूनकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सारी मिर्च मैंने कट कर लिया। अब इसमें मैंने हल्का सा नमक ऐसे डाल दूंगी, हल्का हल्का, बस थोड़ा थोड़ा डालकर मैं सभी में तैयार कर लेती हूँ। क्योंकि हल्का नमक अंदर रहने से अच्छा लगता है नमक, और इसमें तैयार होने के बाद हल्का नमक नींबू डाल दूंगी। ऐसा सारा मैं मिर्च को तैयार कर ली। अब फ्राई पैन चढ़ा दी हूँ मैं, या तावे पर भी बना सकते हैं आप। ये देखिए थोड़ी सी हल्की सी तेल, बस को गरम होने देते हैं। इसे फैला देती हूँ, गरम हो गया है, अब इसको डाल देते हैं। ये बहुत सिंपल, और रोटी और पराठे किसी के साथ भी खाइए या चावल के साथ खाइए, ये खाने में स्वाद बढ़ा देता है और बनाने में 2 मिनट ही टाइम लगती है। ताजा ताजा बनाइए और खाइए आराम से। इसको हल्का हल्का दबा दीजिए कि जल्दी से तैयार हो जाएगा। ये देखिए अब हल्का हल्का भून गया है। अब इसे हम सबको पलटी कर देते हैं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट और अच्छी बनती है। ये मीडियम आंच में ही बनाए। ये देखिए अब मेरी मिर्च तैयार हो गई है। अब गैस को बंद कर देती हूँ। अब इसमें मैं हल्का सा नींबू का, आधा नींबू मैंने गार के रखी थी, वो खट्टा देने से ना इसका तीखापन कम हो जाता है। इसको गैस को बंद कर दिया मैंने, तब इसमें नींबू का मैंने थोड़ी सी दे दी। सारी मिर्च को मैंने निकाल लेती हूँ। फाइनल मेरा मिर्चा तैयार हो गया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।